हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और प्रीव्यू में। आज हम बात करेंगे पंजाब वर्सेस लखनऊ के गेम पर और आज है हमारे साथ सिद्धांत भाई, आकाश सर एंड नितिश भाई। हाउ यू ऑल डूइंग एंड क्या लगता है आपको आज की गेम के बारे में? क्या करेंगे राहुल आज अपने एक्स टीम के सामने? मैं शुरू करता हूँ। वो आज पहला ओवर मेडन नहीं खेलेंगे। That's the first prediction for the day. सिद्धांत भाई, नितिश भाई, क्या लगता है आपको क्या होगा आज का रंग इस गेम का? देखिए, रंग तो जो भी होगा, I think लखनऊ फेवरेट है मेरे हिसाब से आज इस मैच में भाई, अगर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखें तो। राइट, सो वी विल स्टार्ट विद द विन प्रेडिक्शन फर्स्ट अप, बिकॉज सबको उसी का इंतजार रहता है कि कौन सी टीम जीतेगी, फिर चलेंगे पिच की तरफ। सो स्टार्टिंग विद ऑल योर विन प्रेडिक्शंस, नितिश ने ऑलरेडी बता दिया है कि लखनऊ हो सकता है। आकाश सर, सिद्धांत भाई, क्या लगता है आपको? देखिए, लखनऊ तो फेवरेट्स है। अगर फेवरेट्स देखें लखनऊ है, बस राहुल कुछ कैप्टेंसी में इधर उधर ना कर दे, बाकी तो सब लखनऊ। राइट, एंड फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से भी हमारे लिए काफी डेंजरस है क्योंकि स्टॉइनिस आके डेथ में डाल देते हैं तो हमारी टीम्स को तगड़ी इशू हो जाती है। आकाश सर, क्या लगता है आपको, इज इट गोइंग टू बी पंजाब और लखनऊ? देखिए, वैसे तो लखनऊ, बिल्कुल सबकी बात से सहमत हूं कि आप जब किसी भी वो प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो आप ना टीम देखते हैं पेपर पे और सामने मैचअप करके देखते हैं किस टीम का थोड़ा ज्यादा बैलेंस दिख रहा है, कौन ज्यादा बेहतर टीम दिख रही है, पर ग्राउंड पे वैसा हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लखनऊ स्टार्ट एज फेवरेट, पर पंजाब कॉन्स्टेंटली ये आपको तंग करती आ रही है, मतलब थोड़ा हैरान करती आ रही है। उन्होंने मुंबई को मुंबई में हराया, जब ये दोनों टीम्स लास्ट टाइम मिली थी तब भी पंजाब जीती थी और उस वो तो बड़ी डिप्लीटेड सी टीम थी, ऐसा लग रहा था कि I mean, क्या ही खेल रहे हैं, ये तो नहीं हो पाएगा। पर सिकंदर रजा उस दिन आ गए थे, रवि बिश्नोई को बॉलिंग नहीं कराई गई थी, तो जिसकी बात सिद्धांत ने भी की है कि थोड़े कप्तानी के डिसीजंस हैं जो आपको हैरान करते हैं, पर लखनऊ स्टार्ट एज फेवरेट्स टू। Yes, absolutely. Lucknow is favorites, and sir, we want another insight from you. So we have seen कि Mohali in years before this one थोड़ा सा live grass रहता है, कभी कभार seam movement रहता है, but ये साल has been full of runs and pretty much flat out. So do you expect the same today in terms of the track? Absolutely, more of the same. क्योंकि यहाँ पे pitch, देखिए, एक जमाना था, ये बहुत पहले की बात है जब हम सब छोटे हुआ करते थे, तो ये मोहाली की पिच ना इंडिया की फास्टेस्ट पिच मानी जाती थी। उसके बाद ये पिच ना फिर फ्लैट होती गई और किसी ने बताया था, आई डोंट नो रिलायबल है या नहीं है सोर्स, पर नेशनल हाईवे 1 है, भारत वो जाता है, तो जिसको उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसी को कहा कि तुम मोहाली की पिच बना दो। सो घास और नो घास, इट इज गोइंग टू बी अ फ्लैट पिच। तो घास दिखे और कोई बोले कि अरे आज देखो फास्ट बॉलर कुछ करेंगे, तो वाली पिच रिपोर्ट सुनना मत, क्योंकि पिच रिपोर्ट्स आजकल हम सुनते तो हैं लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। Yes, that is a controversial movement, but yes, apart from that, lot of runs expected on the alley. And क्या लगता है आपको आज बहुत सारे बिग हिटर्स हैं सिद्धांत भाई, नितिश भाई, वेदर आप लियम लिविंगस्टन की बात करो, मैट शॉर्ट की बात करो, पंजाब के पास बहुत सारे हिटर्स हैं। ऑन दी अदर साइड देयर इज लॉट ऑफ एक्स पंजाब पावर इन टर्म्स ऑफ पुरान राहुल। तो क्या लगता है आपको, व्हाट काइंड ऑफ स्कोर आर यू लुकिंग एट ऑन एन एवरेज, जो अगर पहली टीम बैटिंग कर रही हो डिफेंड कर पाएंगे ऐसे ट्रैक पर? सिद्धांत भाई, यू कैन गो फॉर इट। नहीं, देखिए, हिटर्स तो हैं पंजाब में अच्छे खासे, लेकिन रिलायबल नहीं है, मतलब कि एक तो लिविंगस्टन काफी दिनों बाद आए, अभी उस हिसाब से टाइमिंग हो नहीं रही है कुछ भी। और मैट शॉट की बात करें तो स्पिन की उनकी कमजोरी सबसे बड़ी, मतलब वो जग जाहिर हो चुकी है। और ये ऑस्ट्रेलिया के पिचेज एकदम नहीं रहेंगी कि थोड़ा भी टर्न नहीं होगा, टर्न होगा वहां पे फिर बिश्नोई, कृणाल पांड्या, ये लोग अपने उससे इनको फंसा सकते हैं। तो हिटर्स तो है पंजाब के पास, लेकिन भरोसेमंद नहीं है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। और वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो उनके पास भरोसेमंद हिटर है, स्टोइनिस टिकने के बाद हिट कर सकते हैं, और पूरन का क्या है, उनका मिस हिट भी छक्के जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो, और वो मतलब अच्छा टाइमिंग कर रहे हैं। राइट, सो लखनऊ ऑन ऑल काउंट्स। एंड नितिश भाई, आप मुझे प्रीव्यू के पहले बता रहे थे कि चाहे कोई हिट करे ना करे, आप जरूर हिट कर लोगे फ्री कॉन्टेस्ट में, क्योंकि 280 तो सबके सब गारंटीड ले ही जाएंगे। तो नितिश भाई, क्या लगता है आपको कि ऐसे टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट से क्या फायदा हो सकता है, एंड यूजर इन टर्म्स ऑफ पैक कैसे ले पाएगा एंड कार्ड्स आगे यूज कर पाएगा? एक्चुअली ये यूजर के लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, एक यूजर एक नई चीज एक्सपीरियंस करना चाह रहा है रेरियो पे, अपनी 3 प्लेयर का फैंटेसी टीम बना के, उसको पैसा नहीं देना सबसे बड़ी बात, और वो फ्री में यहाँ खेलेगा, एक्सपीरियंस करेगा गेम को, तो उसको गेम की अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी पकड़ बनाएगा। और उसके बाद तो एक बार अगर वो यहाँ पे आपका ये खेलना स्टार्ट कर दिया तो फिर तो मेरे को नहीं लगता छोड़ने का मन बनाएगा। और वापस से आप बात करें, फ्री में आपको 280 रुपए मिल रहे हैं, साइन अप का 1600 रुपए बोनस मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ से 280 निकालते हैं प्लस में रेरियो के बोनस से यूज करेंगे तो फ्री में आप पैक भी परचेज कर सकते हैं, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले। यस, बिल्कुल। एंड ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए आप जो भी चैनल पे वीडियो देख रहे हो उस चैनल पर लिंक होगा एक डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर फिर भी नहीं समझो तो कल सिद्धांत भाई ने बहुत प्यार से इस चीज़ को समझाया एक छोटे से वीडियो में, तो वो वीडियो जरूर जाके देख लेना। एंड ये हो गई फ्री कॉन्टेस्ट की बात। अब चलते हैं, मैं एक और चीज एक्चुअली कहने वाला था, मैं अपनी ऑडियंस को ही बता रहा हूँ कि देखो अभी तो फ्री बट रहा है, पता नहीं कब तक ये रेडियो उड़ाता रहेगा पैसे। आई मीन एक दिन तो कह देगा मैं नहीं उड़ा रहा हूँ, तो अभी अगर पैसे बांटे जा रहे हैं फ्री में तो फिर अभी उठा लो फायदा। दैट्स फॉर माय ऑडियंस, क्योंकि जो मेरे चैनल पे देख रहे हैं बाद में भी देखेंगे, क्योंकि आई मीन एट सम स्टेज वो फ्री बटना खत्म हो जाता है, तो जब फ्री का चंदन है तो फिर घिस ले मेरे नंदन, कर ले फटाफट से। Yes, बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक और बात यहाँ पर, नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सर्विस, कि बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि ड्रीम 11 बहुत बार फ्री एंट्री देती नहीं है, तो अब ड्रीम 11 रैरियो के थ्रू आपको ये फ्री एंट्री दे रही है, तो आपको वो ट्रस्ट फैक्टर भी का भी तकलीफ नहीं होता, बिकॉज दिस इज बैक्ड बाय देम, सो इट हेल्प्स यू टू प्ले ऑन द ऐप विदाउट वो इशू कि मेरे पैसों को कुछ हो नहीं जाएगा या कोई तकलीफ नहीं होगी। बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जहाँ भी खेलो, जहाँ भी निवेश करो, आपके पास वो स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो पीछे, तो वो बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एंड अब चलते हैं टॉप पिक्स पर। वन टॉप पिक फ्रॉम लखनऊ, वन टॉप पिक फ्रॉम पंजाब। वी विल स्टार्ट विद आकाश सर। शिखर धवन, नहीं सॉरी शिखर धवन नहीं, क्या बोला मैंने, शिखर धवन खेलेंगे तो के एल राहुल विल बी माय फर्स्ट सेफेस्ट पिक, जिसको आप रखें। फॉर्म में तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, खेलने का थोड़ा सा वो स्ट्राइक रेट एंड ऑल ऑफ दैट वो कॉन्वर्जेशन में रहता है, पर ये वो वाला ग्राउंड है जिसको अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद आई थिंक उनकी फास्टेस्ट 50 भी इसी मैदान पे आई थी, अमित मिश्रा तब उनके सामने पड़ गए थे। सपाट ही पिच होने वाली है, सामने से कोई ऐसा मेजर थ्रेट मुझे तो पर्सनली नजर नहीं आता है, तो के एल राहुल विल बी माय फर्स्ट वेरी वेरी सेफ। हाँ जी, क्या कह रहे हो सिद्धांत? रबाडा थोड़ा हो सकते हैं थ्रेट अगर खेले तो, ना पता नहीं रबाडा को भी खिलाते नहीं है ये लोग, क्या कर रहे हैं, कभी नेथन एलिस खिलाते हैं, सैम करन तो पक्का खेलेंगे, हो सकता है कप्तानी हो आज भी अगर शिखर नहीं है तो वो एक अलग एक स्टोरी चल रही है, खेलें नहीं खेलें डोंट नो, बट राहुल और सेकंड आज अगर मार्कवुड खेलते हैं तो सो दैट्स माय गाय। मतलब मार्कवुड मुझे बहुत सेफ ऑप्शन लगते हैं कि आप उनको तो हमेशा ही रख लो, कि अगर खेलते हैं तो 2 विकेट तो कहीं नहीं गए, और ये जो पंजाब की बैटिंग लाइनअप आप देखते हैं तो थोड़े से होल्स नजर तो आते हैं, तो कितनी भी सपाट पिच क्यों ना हो, मार्कवुड इज माय बैंक। सो सर हैज स्लाइटली गिवन यू हिज जीएल कैप्टेंसी चॉइस फॉर टुडे, नोट करके रख लेना। सिद्धांत भाई, देखिए मेरे हिसाब से सर ने राहुल का नाम ले ही लिया है, और मेरे हिसाब से फिर इस विकेट पे स्टोइनिस एक अच्छे पिक नजर आते हैं, लास्ट के 2-3 मैचों में बॉलिंग भी किया है, और उसके अलावा ये बैटिंग विकेट है तो बैटिंग विकेट पे उनका चलने का चांसेस भी अच्छे खासे रहते हैं, तो एक सेफ पिक रहेंगे लखनऊ के टीम से। पंजाब की तरफ से बात करें तो सबसे सेफ मेरे हिसाब से सैम करन होने वाले हैं। यस, बिकॉज़ डेथ में डालेंगे, बैटिंग से भी वैल्यू दे रहे हैं, सो नथिंग लाइक इट। एंड गाइस, बिफोर वी गेट टू नितिश भाई, आप भी कमेंट्स में बता दो आपको क्या लग रहा है आज के आपके 2 टॉप पिक्स कौन है, एक लखनऊ से एक पंजाब से। ओवर टू यू नितिश भाई। मेरे को लखनऊ की टीम से मार्कस स्टोइनिस लग रहे हैं, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी राहुल से कि आज वो उनसे बॉलिंग जरूर करा लें। एक्चुअली मेरे आवेश खान को टीम में ले रखा था, ओवर नंबर 20 बचा हुआ था, अब उनके पास 2 चॉइस है, आवेश खान, स्टोइनिस। आवेश प्रॉपर बॉलर है और मैंने स्टोइनिस को फैंटेसी टीम में नहीं लिया, स्टोइनिस को ओवर मिला, 2 विकेट निकाल गया, तो 18 ओवर में काफी इकोनॉमिकल भी था आवेश। हाँ, तो मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा लोकेश जो है वो स्टोइनिस पे अगर भरोसा करते हैं, स्टोइनिस का परफॉर्मेंस वेन्यू पे अच्छा है, तो स्टोइनिस फॉर श्योर लखनऊ की टीम से अच्छा कर सकते हैं। प्लस में आप लखनऊ की टीम से लेग स्पिन रवि बिश्नोई पे भी आज थोड़ा भरोसा दिखा सकते हैं, तो ये 2 है मेरे आज इस मैच में। यस, बिल्कुल। तो काफी टॉप पिक्स मिल गए आपको, अब समझते हैं कि ये टॉप पिक्स को आप रैरियो पे कैसे पिक करोगे एंड कौन से कार्ड। एक सेकंड थोड़ा सा बीच में आ सकता हूं, एक्चुअली देव परमार का एक क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे लगा क्योंकि मेरे को एड्रेस किया उन्होंने कहा देखो अभी तो फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन ये अगर फ्री बंद हो गया तो क्या होगा, फिर उन कार्ड्स का हम क्या करेंगे, तो कार्ड्स आपके साथ हमेशा रहते हैं, आप उनका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू लूज दैट कार्ड। इनफैक्ट अभी भी फ्री है, बाद में भी फ्री है, और उसके पैसे बढ़ गए तो फिर मुनाफा भी है। I mean, this is like, wow. So, अब हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन आया, मैंने कहा ये थोड़ा बिल्कुल always important। Yes, always important to address all of you। आप सब अपने सवाल डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, जैसे ही हम वॉल्ट से पिक्स उठा लेंगे उसके बाद आपके सवालों पर ही चलेंगे। तो आपके जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड यू कैन चेक आउट द ऐप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप जाके वो ऐप देख लो, कोई भी सवाल है अभी पूछ लो, अभी हमारे एक्सपर्ट से हम जवाब भी ले आएंगे। एंड अब चलते हैं वॉल्ट की तरफ। तो आई टेक योर हेल्प, आप सबकी हेल्प ले लूंगा मैं। पहले मैं ब्रॉन्ज में स्टार्ट कर लेता हूँ। सिद्धांत भाई आपसे आप बता दो कि कौन से 3 पिक्स में ले लूँ मेरे जो ब्रॉन्ज वॉल्ट में पड़े हुए हैं। देखिए एक तो अर्शदीप हो गए, बिल्कुल 20 एक्सपी। हाँ आगे चलिए, ये बैटर 1 ले लीजिए लखनऊ का। तो नहीं बैटर 5 है ना, बैटर आई थिंक स्टोइनिस होंगे, ज्यादा चांसेस हैं स्टोइनिस। हां लाइकली चांस, हां एक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं ये। और बिल्कुल फिर लिविंगस्टन स्टोइनिस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको, तो 2 बार भी ले सकते हैं। सेफ स्टोइनिस को भी रख लीजिए, जो मतलब कंफर्म है वो भी रख लीजिए। ये मेरे 3 पिक्स आएंगे। एंड कैप्टन कौन लोगे आप इनमें से? इनमें से स्टोइनिस से ज्यादा सेफ मुझे लगते हैं। अर्शदीप भी एक अच्छे ऑप्शन है, लेकिन मैं स्टोइनिस को करूंगा। सो 100% सिद्धांत भाई ने राहुल भाई से बात की है कल कि डेथ में 2 ओवर स्टोइनिस के पक्के हैं, इसलिए स्टोइनिस पर काफी भरोसा जताया जा रहा है। तो स्टोइनिस फ्रॉम सिद्धांत भाई। ओवर टू यू नितिश भाई, आप भी बता दो कि यहाँ मेरे ब्रॉन्ज कार्ड्स पड़े हुए हैं अभी, सॉरी सिल्वर कार्ड्स पड़े हुए हैं, इनमें से किसको उठा लूं मैं यहाँ पर? इसमें अपने पास स्टोइनिस का कार्ड है? नहीं यहाँ पे मेरे पास स्टोइनिस नहीं है, बिकॉज़ स्टोइनिस तो चाहिए। स्टोइनिस नहीं है तो लिविंगस्टन चाहिए फिर अपने को। बट हम स्टोइनिस को एज बैटर 5 यहाँ से ले सकते हैं एक ब्रॉन्ज कार्ड के हिसाब से, क्योंकि एक ब्रॉन्ज अलाउड है इसको ये कॉन्टेस्ट में। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो स्टोइनिस 100%। एंड सिल्वर में से अभी ये ऑप्शन है हमारे पास। अपना श्रीसंत कौन से नंबर के बॉलर को वो होंगे? I think 1 है, if I'm not wrong। एक बार वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे है श्रीशान, बॉलर नंबर 4। ओके, बॉलर नंबर 4। तो बॉलर नंबर 4 में भी फिर से स्टोइनिस या रवि बिश्नोई में से कोई एक आ जाएगा। तो श्रीसंत आप ले लीजिए। श्रीशान पंजाब से, तो लखनऊ। I think आज सैम करन को नई बॉल से बॉल डालेंगे ना, सैम करन नई बॉल से डालेंगे पावर प्ले में। आज वो लाएंगे हरप्रीत ब्रार को, और उसके अलावा उधर से अर्शदीप रहेंगे, और फिर शायद रबाडा आ जाए। चौथे नंबर पे सैम करन आ सकते हैं, मुझे जहां तक लग रहा है। तो यहाँ पे वीरेंद्र भाई आपको कि आपको कार्ड परचेज करना चाहिए और इसका ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत यही है कि कुछ नए कार्ड्स लेने पड़ेंगे। अब नाउ दैट नितिश भाई ने बात कर ही ली है कि नए कार्ड्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे नए कार्ड्स आप कैसे ले सकते हो? यहाँ पे आप बाय सेक्शन में चले जाओगे, एंड बाय सेक्शन में यहाँ पे करेंटली पैक्स अवेलेबल है। अब मेरे पास तो इतना बोनस है नहीं कि मुझे 50% डिस्काउंट मिल जाए पैक पर, बट आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आपको जो 1600 रुपये मिल जाएंगे उससे आपको मिल जाएगा पूरा बोनस। बट अब इन्होंने क्या ही दिया है, तो एक पैक ले ही लेते हैं। कौन सा वाला सर, लखनऊ की पंजाब? लखनऊ, ठीक है लखनऊ। लेट्स होप फॉर स्टोइनिस, क्योंकि सब स्टोइनिस की ही बात कर रहे हैं। सो स्टोइनिस लेट्स सी। अब एक ये पैक पार्टी भी आपके साथ ही हो गई, एक पैक हम आपके साथ ही खोल लेंगे। आपके स्क्रीन पर आपको सीधा दिख जाएगा यहाँ पे कि कौन से प्लेयर आ रहे हैं हमारे पास। एंड KL राहुल एंड दीपक हुड्डा। चलो सॉर्टेड, राहुल तो अच्छे मिल गए आपको। चलो अभी खुश हूँ मैं कि मैंने ये पैक खरीद लिए ही समय पर। तो अब नितिश, KL राहुल इन द टीम? या श्योर, ठीक है। सो वी आर गोइंग विद KL राहुल इन दिस सेक्शन। जब तक लोड हो जाता है हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे। एंड अब चलते हैं गोल्ड सेक्शन की तरफ, जहाँ पे आकाश सर आपको बताएंगे पिक्स। अब जैसे लास्ट गेम में मेरी कुछ दुखती नसें थी, ये बार वो दुखती नसें इस गेम में थोड़ी ज्यादा है, बट बता देंगे कि वो दुख कैसे कम हो जाए। बट आकाश सर क्या लगता है आपको? ऑप्शन दिखाओ। इसके बाद ये 3 नजर आ रहे हैं मुझे, सब नॉन प्लेइंग। ओ बाय गॉड भाई, जो हो गया। वैसे तो मेरा तो मन कह रहा है कि ये बहुत समय से मैं कह रहा हूँ कि यार क्विंटन डी कॉक को खिला लो यार। अब अगर राहुल के पास ये पैक है, और राहुल के पास अगर क्विंटन ही है और नहीं है काइल मायर्स, तो फिर क्योंकि वैसे सिद्धांत को मुझे लग रहा है आज कुछ हॉटलाइन है सीधा, तो ये पहले बता दे रहे हैं। देखो अब ये वाला ओवर ये करेगा, अगला ओवर वो करेगा, देखो स्टॉइनिस आज बॉलिंग मिलेगी। ये मैं दो तरीके की लिस्ट आनी चाहिए, एक आनी चाहिए प्लेइंग 11 और दूसरी आनी चाहिए कि कप्तान ने आज क्या किया है फैंटेसी में, तो उससे फिर आपको आइडिया हो सकता है कि अच्छा ये वाला बॉलर सैम करन ने आज खुद को कप्तान बनाया, इससे 20वां ओवर डालेगा। तो ये एक बात है, पर इसमें तो फंसा दिया आपने सिकंदर रजा, पता नहीं शायद खेलेंगे नहीं यार। और रजा अगर, क्योंकि वैसे पिछले मैच में इन्होंने 50 बनाया था, मैच जिताया था, विकेट भी एक ली थी। आई मीन सिकंदर रजा अगर खेलते हैं तो ही इज अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि ऊपर ना मैट शॉट भी कुछ ऐसा काम तो कर नहीं रहे, और पॉसिबल है अगर शिखर धवन खेलते हैं ना आज तो सिकंदर रजा आज खेलते हुए आपको दिख सकते हैं, क्योंकि वो मैट शॉट को ऊपर कराने के चक्कर में ये सिकंदर रजा को थोड़ा सा इन्होंने ठंडे बस्ते में रख रखा है। पर अगर आज खेलते हैं तो 30 एक्सपी पे दिख रहे हैं, कितने पे एक्सपी पे दिख रहे हैं? फुल। ओ बाबा रे बाबा, 45 एक्सपी पे है, इनको रखो। और उसके बाद क्विंटन अगर खेलते हैं तो क्विंटन इज अ नो ब्रेनर, यू वांट टू हैव हिम एज वेल। और दीपक, एक चांस दीपक हुडा, भाई खेलने वाला तो रखो कम से कम, खेलने वाला तो चलेगा, कभी तो चलेगा दीपक कभी तो जलेगा। तो अभी तक तो एकदम बुझे हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सेफ चॉइसेस तो नहीं है। तो अगर इनमें से आपके प्लेयर ना खेलें तो फिर देख लेना, मतलब फिर ज्वाइन बाद में कर लियो, डायनामिक खराब ना हो जाए। वैसे खराब यहाँ कुछ होता नहीं है, लूज तो खराब तो होगा नहीं। अब कुछ ना कुछ तो जीत के जाएंगे। मैं वही बात बताने वाला था कि यहाँ पे अब तक ज्वाइन किए हैं 654 टीम्स ने, एंड रिवॉर्ड यहाँ पर है 1100 रैंक तक, तो मतलब ये लीग भरने तो नहीं वाली, बट वहां तक 160 रुपीस तक तो मेरे गारंटीड हो ही गए। एंड मैं जो बात कर रहा था 240 भी मेरे हिसाब से 240 भी कंफर्म है, 240 भी आई थिंक दीपक भाई चल गए तो 240 भी हो सकता है, व्हाई नॉट। बट यस, यही हम एक अच्छी बात कर रहे थे कि यहाँ पे कार्ड्स आपके जाते नहीं, जैसे आकाश सर ने मेंशन किया ये कार्ड्स अभी मैंने नहीं खेल रहे हैं तो बाद में खेलेंगे, बाद में खेल के नहीं भी चले तो भी मैं आगे इंटरनेशनल IPL पूरा यूज कर पाऊंगा। एंड जो मैं बात कर रहा था, आप मेरा एक ही ब्लैक कार्ड है इस गेम में, एंड वो आप ब्लैक कार्ड देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं कितने पानी में हूँ इस गेम में। क्विंटन डे कॉक है मेरा ब्लैक कार्ड, एंड मैं आशा कर रहा हूँ कि आज उन्हें मौका मिल जाए, क्योंकि यहाँ भी आप ब्लैक कॉन्टेस्ट में देख ही सकते हो कि 292 टीम्स ही ज्वाइंट हैं, बट यहाँ पे है रिवॉर्ड्स 450th रैंक तक, 640 रुपीज गारंटीड। तो एटलीस्ट मुझे पता है कि वो नहीं खेल रहे तो भी 640 तो ले ही जाएंगे आज। तो ये हो गई ब्लैक कॉन्टेस्ट की बात। हाँ, इसमें मेरे को गोल्ड कॉन्टेस्ट में ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है, गोल्ड में बाकी सबके कंपैरिजन में। गोल्ड का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है यहाँ पर। वो दिन मैं काफी क्लोज था बट हो नहीं पाया, बट एनीवे आई थिंक KL राहुल अब तक मेरे वॉल्ट में आ गए होंगे, तो पिक कर लेते हैं। अब नितिश भाई आप बताओ, KL राहुल एंड आपकी दूसरी पिक्स ये सेक्शन से, और आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और दिखाइए। एक ब्रॉन्ज कार्ड ले सकते हैं हम यहाँ पर, जो आपको जो स्टॉइनिस लेना था यहाँ पे। स्टॉइनिस ब्रॉन्ज कार्ड से एक्चुअली एक्सपी नहीं है ना ब्रॉन्ज कार्ड में अपने पास, इतना कम है, 4.5 है। या सो सिल्वर पे ही चलते हैं अपन, सिल्वर में ही फिर। तो यहाँ से कौन होंगे आपके पिक्स? अगर क्विंटन डे कॉक आज खेलते हैं तो क्विंटन के साथ जाएंगे, और इसके अलावा दीपक हुड्डा को ले नहीं सकते, अब अदर टीम से एक लेना है, और फिर एक श्रीसंत। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट। एंड कैप्टन विल बी KL। या ठीक है, यहाँ हो गए कैप्टन हमारे KL। तो बेस्ट पार्ट यहाँ पर यही है कि आज हमने एटलीस्ट मैंने अपने सारे के यहाँ पर क्विंटन डे कॉक पे लगा दिए। अब देखते हैं कि क्विंटन डे कॉक खेलते हैं या नहीं, बट दैट इज एज फार एज द पिक्स फॉर टुडे आर कंसर्न। अब हम ले लेंगे कुछ सवाल आपके, जो भी आपके सवाल है रैरियो के ऊपर, तो आप डाल सकते हैं इन क्वेश्चंस को कमेंट्स में। अगर आपके मैच रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है आप वो भी डाल सकते हो कमेंट्स में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या शिखर धवन आज अवेलेबल होंगे? आकाश सर, एनी इनसाइट्स? नहीं सुना एक्चुअली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। थोड़ा सा ब्रेक रहा है इस टीम का, क्योंकि लास्ट मैच जब वो मुंबई के सामने खेली थी, ये टीम खेली थी, इट वाज अ फ्यू डेज अगो, तो आई मीन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ शोल्डर का इशू है। कल परसों मैंने रील देखी तो उसमें ऐसे करके कर तो रहा था डांस, तो ये पता नहीं रील कब बनाई थी भाई ने, पर आई मीन डेस्परेटली वेटिंग ऑनेस्टली। उनके बिना ना ये टीम थोड़ी सी ऐसा लगता है कि शरीर तो है पर आत्मा नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, रियली वांट शिखर धवन टू बी बैक, क्योंकि अभी ये लड़ रहे हैं, ये पांचों उंगलियां मिलकर मुट्ठी बना रहे हैं। हम सब इनको जब भी कोई भी बात करता है, कोई भी प्रीव्यू होता है, उसमें आप पंजाब को रेट नहीं करते हो, आपको लगता है पंजाब नहीं जीत सकती क्योंकि टीम वैसी नहीं दिख रही है, पर दे आर विनिंग राइट, 4 मैच जीत चुके हैं। आज अगर जीत गए तो टॉप चार में आपको नजर आने लग जाएंगे। तो ये एक टीम है विच इज वेरी नाइस, हैप्पी वाइब वाली स्टोरी। क्रिकेटिंग लॉजिक को थोड़ा डिफाई कर रही है, पर काम अच्छा कर रहे हैं। शिखर अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, फिर थोड़ी सी इस टीम में और जान नजर आएगी। फिर आप सिकंदर रजा को भी खिला पाएंगे, बैलेंस थोड़ा सा अच्छा बेहतर आपको दिखने भी लगेगा। Yes, absolutely. And sir, the next question is also for you. हर मैच में क्या 3 कार्ड्स परचेस करने पड़ेंगे कि आप बार-बार वही कार्ड यूज कर सकते हो? अरे वही कार्ड तुम मतलब परचेस कर लो, क्योंकि परचेस करने का फायदा होता है KL राहुल मिल जाते हैं, तो ये परचेस इज नॉट अ बैड ऑप्शन। तो वो तो आप कर ही लो, लेकिन जो आपको मतलब आपके 280 रुपए आपने जीते फ्री कॉन्टेस्ट में, उसके बाद आपको अपना 1600 रुपए का बोनस आपने इस्तेमाल कर लिया, आपका फ्री का पहला पैक हो गया। अब उस पैक को आप रखे रखो साथ में, खेल लो, अच्छा है। नहीं खेलोगे तो भी अच्छा है। I mean, उसके तो पैसे बढ़ते रहेंगे, उसका यू हैव नो कंपलसरी ऑप्शन की खरीदना ही है। सी बाकी सब फैंटेसी में यू हैव टू जॉइन अ कॉन्टेस्ट, यू हैव टू पे, राइट? उसका कोई और ऑप्शन तो है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो फ्री कॉन्टेस्ट तो कोई विरला ही जीतता है, जीतते नहीं है। तो यहाँ पर आप कार्ड एक बार आ गए तो वो दैट इज योर एसेट। एंड एसेट इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट, इट्स नॉट रियली अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो बार बार नहीं खरीदने पड़ेंगे, खरीदने हो तो खरीद लेना। और इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपके पास कार्ड्स हैं तो आपको अपने फेवरेट क्रिकेटर्स से मिलने का चांस भी मिलता है, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी बात है। यस एंड बढ़ के एकदम खरीद रहे थे। एंड प्लीज आस्क अस हु आर देयर इज अ लिमिट। Next, okay, we have quite a few questions. Any update on Mohsin Khan, which any of you have or are available? He started bowling. He started bowling in the nets. ठीक-ठाक bowling कर रहे हैं, तो I won't be surprised कि आपको जल्दी actually खेलते हुए दिखे। हाँ, शाम को भी हो सकता है, for all we know. He's bowling already. Okay, fair enough. So that is the update on Mohsin. Again, someone who you can try will. Again, one more question related to जो हमने picks किए हुए हैं, will Quinton de Kock play the match? And there is a follow-up question there कि is Mayers the one likely to get dropped if he plays? Chances भाई कम है, पता नहीं क्यों राहुल ज्यादा भरोसा कर रहे हैं Mayers पे, नहीं तो de Kock तो obvious choice है कि उन्हें खेलना चाहिए। और भाई एक चीज तो आप मान के चलो कि ये तो शुक्र है कि काइल मेयर्स फर्स्ट ओवर बॉलिंग नहीं डाल रहे, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि सुगुन का पहला ओवर तो वो डालेंगे ही। लग भी काफी साथ देता है सर, बहुत हिट मतलब एजेस इतना मिस होते हैं ना कि मैं खुद सरप्राइज रह जाता हूं कैसे कोई इतना मिस कर सकता है। यस एंड नितिश भाई ने एक बात की कि आप फेवरेट प्लेयर से मिल सकते हो, तो अब उन्होंने वो टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो आपको एक और बात बता देते हैं। जो इनर सर्कल प्रोग्राम है रैरियो पर, वो भी लॉन्च हो गया है। यहाँ पर आपको एक्चुअली वो चांस मिल जाएगा आपके फेवरेट प्लेयर से मिलने को, VIP टिकट्स पाने को, साइन मर्चेंडाइज आपको मिल जाएगा। तो ये वापस ये बेनिफिट आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहां से ही अवेल कर सकते हो। ये वेट लिस्ट आप ज्वाइन कर लोगे तो आप ये फैन बैच खरीद सकते हो, जिनमें कुछ गारंटीड बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ग्रैंड स्टैंड की टिकट्स, एक्सक्लूसिव गियर, फैन बैजेस, मीट एंड ग्रीट, एंड क्या पता मे भी आपको चाय या कॉफी भी पीने को मिल रहा है इन प्लेयर्स के साथ, क्योंकि ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप, उनके होटल में रहने का मौका कुछ लकी विनर्स के लिए। तो ये एक और बड़ी बात है जो अभी कुछ समय पहले रिलीज हुई है। एंड लास्ट वीक भी हमने लाइव किया, तभी कुछ एक्सक्लूसिव रिलीज हुआ, तो आई थिंक ये लाइव ही वो लकी बात है हमारे लिए। क्या लगता है आकाश सर, विच इज द प्लेयर दैट यू थिंक फ्रॉम कोलकाता यू वुड रियली लाइक टू हैव टी और कॉफी विद और वांट टू रीड इनटू द माइंड ऑफ? कोलकाता में एक्चुअली मैं तो इस समय मेरा फेवरेट है नितिश राणा। नितिश को जानता भी हूँ पर्सनली, और बंदा इतना एक वन कैप्टन इंटरव्यू दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू जस्ट लिसन टू, वो जो ऑनेस्टी, वो इनोसेंस, वो पहली बार की कप्तानी का, जिसके अंदर वो बड़े बड़े क्रिकेटिंग जार्गन्स नहीं है। एक तो हिंदी में बोलता है बंदा एकदम कंफर्टेबल होके, तो मुझे तो नितिश राणा I mean, और जिस तरीके से ये टीम को चला रहा है, आसान काम नहीं है। देखिए कप्तान आपका इंजर्ड हो गया है, आपकी टीम के आंद्रे रसल, सुनील नारायण कुछ कर नहीं रहे हैं ऐसा जिसको देख के आपको कि वाह। परेशानियां ज्यादा हैं, आंसर कम है, उसके बावजूद आप हर बार आते हो, लड़ने की कोशिश करते हैं, वेरी ऑनेस्टली और इनोसेंटली आप जवाब देते हो। आई लाइक नितिश, तो नितिश राणा इस बार। Yes, fair enough. And 4 foreign players that you guys are predicting जो आज खेलेंगे पंजाब के लिए। पंजाब के लिए मेरे को तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है आज अगर कगिस और रबाडा फिट है तो 100% रबाडा को खिलाना चाहिए, बिकॉज उसका रिकॉर्ड लखनऊ की टीम के सामने अच्छा है। और सिकंदर रजा अगर फिट हो रहे हैं तो खिलाओ भाई उसको, क्योंकि वो आपको मैच विन कराते हैं। बैटिंग के साथ मैच विन कराया, बॉलिंग के साथ मैच विन कराया, फिर बाहर बैठा दिया। तो सिकंदर रजा के साथ आप जाइए। इसके अलावा मैथ्यू शॉर्ट, अगर आपके पास नीचे रबाड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ऊपर से मैथ्यू शॉर्ट के साथ जाइए। और इसके अलावा एक प्लेयर आपके पास है लैम लिविंगस्टन का, उनके साथ तो आप जाएंगे। तो ये चार मेरे हिसाब से। Fair enough. And guys, last दो question लेंगे before we end the live. And one of the questions is कैसे आप join कर सकते हो inner circle? तो जो हमने अभी screen दिखाया है inner circle के बारे में, जहाँ आप अपने favorite players से मिल सकते हो and match access आप पा सकते हो। वापस वो link जो आप description से जैसे join कर लोगे Rario पर या download कर लोगे, register कर लोगे, उसके बाद आपको home page पर ही वो मौका मिल जाएगा जाके sign up करने के लिए। and फिर वहाँ से वो process आप खुद ही समझ पाओगे। सारे questions FAQs वहीं पर answered है। So last question here, sir, रबाडा का क्या मैटर है? Is he injured or is he actually dropped? नहीं पता है यार। ये मैं बता रहा हूँ, कोविड टाइम्स की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये कोविड में हुआ था एक्चुअली, जिसके अंदर ना सब टीमों ने डिसाइड किया कि क्योंकि एक्सेसिबिलिटी कम थी कि ना हम ना वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और मर्जी के जो सवाल है हम वो लेंगे, उसके अलावा हम कोई सवाल नहीं लेंगे। दिस इज हाउ इट एक्चुअली गॉट एब्सोल्युटली बैड। तो उसके बाद से अब तक ये हो गया है कि हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, तो हम सोचते रहेंगे अपने घर पे बैठ के कि अरे ये ड्रॉप है, ये इंजर्ड है। आप सोचते रहो, हो सकता है उसके निकल है, हो सकता है ना हो सकता है टैक्टिकल है, हो सकता है कि भाई बंदा ग्राउंड पे ही नहीं है, बताते कुछ नहीं है। तो कभी सो रबाडा का मुझे पर्सनली नहीं पता, किसी और को पता है तो प्लीज। एंड सेम क्वेश्चन इज अराउंड शार्दुल ठाकुर आल्सो, सेम क्वेश्चन इन द कमेंट्स। रिपोर्ट आया था कि रबाडा मतलब लगभग फिट हो चुके हैं, या तो वो मैच खेलेंगे या तो ये वाला खेलेंगे, मतलब इसमें लगभग कंफर्म है उनका खेलना, जहां तक मैंने सुना था। और शार्दुल का तो नीतीश ने पिछले ही मैच में क्लियर कर दिया था कि वो इंजर्ड है। ठीक है, फेयर इनफ। सो दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए था। एंड उसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू द गेम, रिलेटेड टू द ऐप, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हो। एंड आपके जो क्वेश्चंस है वो हमारे एक्सपर्ट्स पिक कर लेंगे एंड आंसर भी कर लेंगे। सो जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु ट्यून्ड इन। डू स्टे सब्सक्राइब एंड साइन अप ऑन Rario। जल्दी से अपने 1600 रुपए लिंक से क्लेम कर लो। थैंक यू सो मच टू द पैनल। थैंक यू एवरीवन।